नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस की खास पेशकश। शेयर बाजार में कोहराम है, बहुत ही जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली है हाल फिलहाल में, और इस गिरावट में आप करना क्या चाहिए, क्या खरीदें या फिर अभी रुकें, और क्या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए बाजार की गिरावट में जहां पर खरीदने का मौका है। इसी मुद्दे को उठाने के लिए और उस पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, ग्रुप चेयरमैन है इंडी ट्रेड कैपिटल के। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार। बिजनेस पे। नमस्कार। सर, ये अचानक से ही गिरावट आई है और आउट ऑफ सिलेबस ही लग रही है, क्योंकि हम तो तैयारी कर रहे थे कुछ रिजल्ट्स की, कुछ एंटिसिपेशन, रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में मार्केट चलेगी या फिर कुछ प्री इलेक्शन रैली की बात हो रही थी, ये तो ऑन द मूव गिर गया मार्केट। इस करेक्शन की मुख्य वजह आप क्या देखते हैं और बाजार पे आपका आउटलुक? देखिए, मुख्य वजह तो ग्लोबल है, इंटरनेशनल मार्केट से ये हमारे ऊपर इफेक्ट आया है। जियोपॉलिटिकल इशू सबसे बड़ा मुद्दा है, और जैसे पहले तो रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम चल ही रहा था, अब वेस्ट एशिया में बहुत जबरदस्त ईरान और इसराइल का जो जो वार जैसा स्थिति आ गया है, उसके चलते सारे जो कैलकुलेशंस थे, सारे इक्वेशन से वो गड़बड़ हो रहे हैं। ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है। इसके अलावा, जियोपॉलिटिकल इशू के अलावा, यूएस में जो ब्याज दरें घटाने की जो बात चल रही थी, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है, वहां पे भी थोड़ा दिक्कत आ गया है, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन अभी नीचे नहीं आ रहा है, और इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है, बाकी सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स यूएस में सही है। तो ये अभी कहा जा रहा है कि शायद यूएस फेड जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट रिडक्शन नहीं करेगा, और कुछ कुछ ओपिनियन तो ऐसा भी आ रहा है कि शायद इस कैलेंडर ईयर में कोई इंटरेस्ट रिडक्शन नहीं होगा। यूएस यील्ड, अगर आप देखें, 10 ईयर यील्ड भी बहुत ऊपर 4.65% चला गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो इस स्थिति में एफआईआईज फॉर विदेशी जो निवेशक है, उनके तरफ से ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया में पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। बिकवाली आ रहा है, जबरदस्त बिकवाली एफआईआईज के तरफ से इंडिया में आ रहा है, और वही मुख्य कारण है मार्केट नीचे जाने का। ओके, आपने जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इसमें से एक मुख्य वजह बताई, तो इसमें इसराइल और ईरान के बीच में जो तनाव हुआ, जो टेंशन की स्थिति पैदा हो गई, इससे कुछ वर्ल्ड मार्केट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं या फिर ये युद्ध होगा क्या, और ये क्या कुछ इलॉन्गेटेड पीरियड के लिए चल सकता है जिसका असर फाइनेंशियल मार्केट्स पे देखने को मिलेगा या फिर ये जल्द सेटल हो जाएगा मामला? रजत जी, देखिए, एक चीज तो मैं मार्केट के लिहाज से कह सकता हूँ, और ये करीब पिछले 30 साल प्लस के जो एक्सपीरियंस है, जब भी ऐसा कोई वार जैसा जियोपॉलिटिकल स्थिति आता है तो मार्केट गिरता है, और ये गिरावट में खरीदारी अगर कोई कर सके तो वो आखिर में बहुत फायदेमंद साबित होता है। क्योंकि भगवान ना करे, हमेशा ऐसा ही होता है कि ये संभल जाता है, सुधर जाता है स्थिति बहुत जल्द, और उसके बाद मार्केट अपवर्ड मूवमेंट चालू हो जाता है। इस बार भी जो स्थिति बन रहा है इसराइल में, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस है, कुछ कुछ दबाव है सरकार पे भी, ईरान और इसराइल, पर इसके बावजूद हम लोगों को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा दूर बढ़ना नहीं चाहिए, और शायद बढ़ेगा भी नहीं। और हम लोगों का एक्सपेक्टेशन यही होगा कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और एस्केलेशन और ना हो आगे। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एस्केलेशन का ये है कि जो 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 ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें बहुत दिक्कत आता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ऑयल में, और इंडिया अभी तक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स पे, और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट का प्राइस अगर $100 के ऊपर चला जाता है तो इंडिया के लिए बहुत हानिकारक होता है, इंडिया का जीडीपी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, करंट अकाउंट बैलेंस के लिए, तो तब इंडियन मार्केट में एक्चुअल प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है। तो उम्मीद यह है कि ऐसा एस्केलेशन नहीं होगा और ऑयल प्राइस भी कंट्रोल में रहेगा। FIs ने ऐसा क्या भांप लिया इंडियन मार्केट्स में जो वो लगातार बिकवाली करते चले जा रहे हैं, और आंकड़े बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं बिकवाली के। ठीक इलेक्शन से पहले, जब ये लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, उससे पहले ही FIs की इतनी स्ट्रांग बिकवाली क्यों? हाल फिलहाल की एक खबर ये भी आई थी कि कुछ मॉरिशियस ट्रीटी में बदलाव भी किया सरकार ने, तो क्या कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स इसकी वजह से भी पैदा हो गए? देखिए, नेगेटिव सेंटीमेंट का तीन कारण है। पहला तो जियोपॉलिटिकल, जिसका चर्चा हम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है, और कभी भी ऐसा वार जैसा स्थिति होता है वर्ल्ड में तो निवेशक थोड़ा घबराते हैं, निवेशक थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। दूसरा, यूएस में इंटरेस्ट रेट ना कम होना, और जो यूएस इन्वेस्टर्स है उनका आर्बिट्राज, जो फिक्स्ड इनकम वर्सेस रिस्क एसेट का आर्बिट्राज कम हो जाता है और लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, तो वो एक कारण है रिस्क अवर्शन का।
तीसरा स्ट्रक्चरल चेंज इंडियन मार्केट में, मॉरिशस को लेके अगर कुछ होता है और उसका जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है वो तो बहुत ही नेगेटिव होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए, रूल्स ऑफ द गेम शुड नॉट चेंज वंस द गेम हैज स्टार्टेड। तो आपने 10 साल निवेश किया और अभी अभी आप रूल चेंज कर रहे हो, पिछला 10 साल का खाता आप वापस खोलना चाहते हो नया रूल बना के, ये तो गलत बात है। ये तो करना नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। उम्मीद ये रहेगी कि ये नहीं होगा, ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन जरूर आ जाएगा जिससे ये शंका एटलीस्ट दूर हो जाए। देखिए, ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये हमारे हाथ में नहीं है, यूएस फेड, यूएस इकोनॉमी हमारे हाथ में नहीं है, प्लस ये मॉरिशस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। सरकार का जो भी इंटेंशन है, जैसे भी करना चाहते हैं, साफ साफ क्लैरिफिकेशन आ जाना चाहिए ताकि इसमें कोई क्लाउडेड एरिया, कोई शंका, कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे, क्लैरिटी आना चाहिए। आप तो सर इंस्टीट्यूशन से बात करते भी रहते हैं, और जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो आप बोलते हैं मैं इस टूर पे हूँ, मैं इस कंट्री में हूँ, ऐसे ऐसी खबरें मिलती रहती हैं आपसे, तो आपको वैसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस बार हम आपसे सब कुछ पूछ ही लेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। पहले तो ये बताएं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे देख रहे हैं इस समय इंडियन मार्केट को, क्या ये मार्केट स्ट्रेच्ड हैं पोस्ट नवंबर जिस तरीके की हमने रैली देखी थी, और क्या वो इमर्जिंग मार्केट्स में किसी और कंट्री को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेरेटिव टू इंडिया, या फिर वो इंडिया पर ही बैट लगाना पसंद करेंगे? देखिए राजीव जी, दो चीज मैं बताऊंगा। पिछला 15 दिन, 10-15 दिन का बात 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ओवरऑल इंडिया में पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, और सारे जो निवेशकों से बात होता है सब इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। मैं लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चरल जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये सारे इंडिया में पॉजिटिव है। और इसका कारण सिंपल है, अगर इंडिया में 7-8% जीडीपी ग्रोथ आता है और यूएस में 3-4% ग्रोथ, यही दो इकोनॉमी बड़े इकोनॉमी है जहां पे जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम है, तो निवेश यही दो जगह में आना चाहिए। और चाइना जहां पे ग्रोथ 4-5% बोला जा रहा है, पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारा शंका है, तो निवेशक चाइना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चाइना में नहीं जाना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्वेस्टर्स चाइना में आज के दिन में जाना नहीं चाहते। अब रही बात टैक्टिकल इन्वेस्टर्स, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर्स की, वो कभी कभी दूसरे मार्केट्स को भी देखते हैं इंडिया छोड़ के, और वो कभी इंडिया में बिकवाली भी करते हैं क्योंकि उनको चाइना शायद अट्रैक्टिवली प्राइस लग रहा है, और लग रहा है कि चाइना में शायद कोई मोमेंट इंसेंटिव या कोई सरकार की तरफ से स्टिमुलस आएगा और वहां पे एक मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर मार्केट जा सकता है, तो वो टैक्टिकली इंडिया से पैसा ले जाते हैं, चाइना में निवेश करते हैं चाइना में मुनाफा के लिए। बट ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चरल जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया पे जरूर उनका फोकस है, इंडिया में निवेश कर रहे हैं। हाँ, पिछला 5-10-15 दिन जियोपॉलिटिकल इशू, यूएस इंटरेस्ट रेट, ये मॉरिशस वाला इशू, ये लेके थोड़ा परेशान है और शायद अभी पैसा कुछ निकाल रहे हैं, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही थोड़ा स्टेबिलिटी मार्केट में आएगा, ग्लोबल मार्केट्स में आएगा, पैसा वापस आएगा इंडिया में, जबरदस्त पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इलेक्शंस को बाजार ने कैसे भुना रखा है सर? अभी तक मार्केट क्या समझ के चल रहा है, क्या कुछ फैक्टर इन कर लिया है मार्केट ने, और अगर कोई सरप्राइज होता है तो क्या कोई बड़ी करेक्शन आ सकती है मार्केट में? जी, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा करेक्शन आएगा। पहली बात तो है, मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वापस आ जाएगा, और अब उसमें बहुत सारे नंबर्स की बात हो रही है, 400, 300, 350। पर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मेजोरिटी तो 272 पे आता है, और जब तक आपने 272 क्रॉस कर लिया तब कोई शंका की बात ही नहीं है, आप आराम से सरकार चला सकते हो 5 साल के लिए। तो हाँ, अगर मानिए 400 का बहुत बहुत हो रहा है और 400 से कम आया सीट, तो मार्केट में थोड़ा डिसिल्यूशनमेंट, थोड़ा शंका आ सकता है, पर ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, वो मार्केट तुरंत रिकवर कर जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे सरकार का कंटिन्यूएशन, सरकार का पॉलिसी कंटिन्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, जो कि 272 प्लस में अचीव हो जाएगा। उसमें आपके पास 300 सीट हो, 325 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक ही इलेक्शन के फेज में बता दें जो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करें, ऐसे वोलेटाइल बाजार को कैसे झेलना चाहिए, क्योंकि बाजार की करेक्शन 22,775 से स्टार्ट हुई है और अब हम 22,100 के आसपास कर रहे हैं ट्रेड, तो कहाँ तक मैक्सिमम डाउनसाइड खुल सकता है, और जब ये इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे तो क्या बाजार स्टेबल होगा, और क्या इस फिस्कल के लिए आप निफ्टी यहां से बेहतर लेवल्स पर देखते हैं, किस लेवल तक? देखिए, दो चीज मैं बताऊंगा। पहली बात तो है, मुझे नहीं लगता है इलेक्शन के साथ मार्केट करेक्शन का कोई रिलेशन है। रिलेशन जैसे हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल इशू, ईरान इसराइल का इशू जो है,
यूएसए में इंटरेस्ट रेट कम ना होना और ये मॉरिशस वाला इशू छोटा सा, ये सब लेके मार्केट में करेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन तो फैक्टर्ड इन है कि बीजेपी सरकार वापस आ रहा है। अब निवेशक को, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लग रहे हैं और लंबी अवधि के लिए जो निवेश करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है शेयर में खरीदारी करने का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन मार्केट स्ट्रक्चरल बुल फेज में है और ऊपर ही जाएगा, पॉजिटिव बायस बरकरार है और रहेगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका नजरिया 1 साल या उससे ज्यादा है तो आप निवेश करिए, अपॉर्चुनिटी लीजिए, निवेश करिए। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगा, जरूर रहेगा। अब देखिए, नजर मॉनसून पे रहेगा, नजर कॉरपोरेट रिजल्ट्स पे रहेगा और ऑफ कोर्स इलेक्शंस पे रहेगा। ये तीन चीज पे डोमेस्टिक मार्केट के लिए नजर रहेगा और इंटरनेशनल इवेंट्स तो ट्रैक करना ही पड़ेगा, वो तो हम ट्रैक कर ही रहे हैं। सर वही बात हो रही थी, जैसे कि T20 होता है ना आजकल, ये 288 का स्कोर भी कम पड़ने लग गया है, ऐसी हालात भी बन गए हैं। तो आजकल सबको फटाफट रिटर्न्स वाला माइंडसेट हो गया है और कोई पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा है इक्विटी में। अभी फिलहाल जिस तरीके का मूड माहौल है, क्या यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स अभी रिलेटिवली बेहतर चलेंगे या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स, और जिनके भी पोर्टफोलियो में तनाव दिख रहा है, जो वो T20 मेंटालिटी के साथ आए थे कि आज डालेंगे पैसा और फटाफट स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा बन जाएगा, बहुत ही तूफानी रिटर्न बनेंगे, उनको क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन शुरू हो गए हैं और रेगुलेटर ने भी कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिए। तो अभी क्या करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, और क्या लार्ज कैप रिलेटिवली बेटर करेंगे? रजत जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप जरूर देखिए, पर उसके अलावा भी स्टॉक्स स्पेसिफिक आपको काम करना चाहिए। स्ट्रक्चरली अगर आप पूछे तो मैं बोलूंगा कि लार्ज कैप आज बेटर लग रहा है, क्योंकि लार्ज कैप करेक्शन के बाद लार्ज कैप का वैल्यूएशन जो है वो रिलेटिवली अट्रैक्टिव है, कंसिडरिंग कि लार्ज कैप ये वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वही वैल्यूएशन पे, सिमिलर वैल्यूएशन या हायर वैल्यूएशन में मैं क्यों मिड कैप स्मॉल कैप पे जाऊं? तो उस हिसाब से लार्ज कैप अट्रैक्टिव लग रहा है और लार्ज कैप में हम लोगों को लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में भी मौजूद है, तो उस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। दूसरी बात, स्मॉल कैप मिड कैप में वैल्यूएशन ज्यादा होना की होने की, अब ये स्टॉक स्पेसिफिक इश्यू है कंप्लीटली। मैं तो ऐसे जनरली कैटेगराइज नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप कभी भी कुछ स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो उसमें जरूर कंपनी का प्रॉस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, वैल्यूएशन जो मल्टीपल पे काम कर रहा है उस पे ध्यान दीजिए। ये दोनों चीज ध्यान में रख के तभी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं आ रहा है और वो बहुत हाई मल्टीपल पे काम कर रहा है तो वो गलत है। अगर कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ है और हाई मल्टीपल पे काम कर रहा है तो फिर शायद ठीक है, इस हिसाब से देखना चाहिए, बिल्कुल और अगर ग्रोथ अच्छी आ रही हो और स्टॉक नीचे मिल जाए करेक्शन में, तो फिर तो क्या ही कहने लगे। लेना ठीक चाहिए, है, बिल्कुल लेना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि ऐसे स्टॉक्स आज के दिन में करेक्शन के बाद अवेलेबल है जो कि शायद आप पहले 15-20 दिन पहले सोच रहे थे खरीदने का, पर वैल्यूएशन ऊपर था, आज वही स्टॉक नीचे आ गया है, तो घबराइए मत, खरीद लीजिए। अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी में अच्छा ग्रोथ है, सेक्टर ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है खरीदने में। तो सुदीप जी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो सेक्टर्स भी मैं पूछूंगा और कुछ ऐसे इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स भी पूछूंगा। और पर उससे पहले ना एक और कंसर्न है इस समय, वो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है, और आप ही ने पॉइंट भी अभी रखा था सामने। ये आपको लगता है कि क्रूड यहाँ से अभी और उबाल मारेगा, और उसका असर क्या देखते हैं इंडियन मार्केट पे आप? और ये एनर्जी स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से ना बहुत जबरदस्त चल पड़े हैं, तो इज दिस अ वन ऑफ या फिर ये रैली बढ़ सकती है एनर्जी स्टॉक्स में? देखिए, मुझे तो लगता है वन ऑफ है। अगर ये वार आगे नहीं बढ़ा तो एनर्जी स्टॉक्स कूल डाउन करेंगे, एनर्जी प्राइसेस भी कूल डाउन करेंगे, और अगर ऐसा स्थिति होता है कि अनफॉर्चुनेटली एस्केलेट होता है, वार एस्केलेट होता है, तो फिर एनर्जी स्टॉक्स और एनर्जी प्राइसेस दोनों बढ़ेंगे, पर वो स्थिति डिजायरेबल नहीं है। अब दूसरी बात है, सेक्टर्स या ये जो वार जैसा माहौल है और इसमें ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, बहुत ही नेगेटिव है। इंडियन इकोनॉमी के लिए, करंट अकाउंट बैलेंस के लिए और कैपिटल मार्केट के लिए, तीनों के लिए ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना हानिकारक है। आप $90 के आसपास प्राइस घूम रहा है, मैं जैसे पहले भी जिक्र कर रहा था, $100 के ऊपर प्राइस गया तो वो बहुत ही नेगेटिव होना चाल नेगेटिव जोन में जाना चालू हो जाएगा।
90 के आसपास हम लोग मैनेज कर सकते हैं, पर एक बार इससे ऊपर 100 प्लस का रेंज पकड़ लिया तो वो बहुत गलत होगा इंडियन इकोनॉमी के। ये ऐसे मूड माहौल में ये बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, ये अचानक से बहुत तेज चल पड़े, और सोने चांदी की कीमतों में तो पता नहीं क्या हो गया, आग लगी हुई है। हम शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कॉमोडिटीज, इन पे क्या करना चाहिए, और मेटल स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए कमोडिटी पे, मेटल्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो मेटल का बुल रन आप कह सकते हैं ये जो चालू हुआ है, ये इट्स हियर टू स्टे। कुछ दिन तक ये जरूर रहेगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। इसके दो तीन कारण है। एक तो अगर चाइना सबसे बड़ा मेटल का कंज्यूमर है, हम सब लोग जानते हैं, चाइना में बहुत सरकार की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल हो जाए, और इसके चलते मेटल का डिमांड चाइना में बढ़ रहा है, और चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है तो मेटल का डिमांड ऑब्वियसली बढ़ रहा है वर्ल्ड में। दूसरी बात है, आप डोमेस्टिक मार्केट में देखिए, इंडिया में भी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है जिसमें मेटल्स बहुत जरूरी हो, तो इंडिया में डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी मेटल्स का बहुत बढ़ रहा है। और तरह तरह के जो नए इनोवेशंस वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके लिए भी कुछ मेटल्स का, जैसे कॉपर, जिंक, ऐसे कुछ मेटल्स का रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। सो ये सब मिला के ओवरऑल मेटल्स का डिमांड बढ़ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पिछले कुछ सालों से मेटल का डिमांड बिल्कुल नहीं था, मेटल स्टॉक्स वेर डाउन, मेटल बिजनेस वॉज डाउन, और इसके चलते मेटल सेक्टर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत कम आया है। तो मेटल सेक्टर आज जब डिमांड बढ़ रहा है तो ये साफ सामने हो रहा है कि अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर है, तो मेटल प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट बहुत दिनों से नहीं आया है। इसके कारण डिमांड सप्लाई का एक मिसमैच हो रहा है और उसी के चलते प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ये प्राइस का लेवल कम होना बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं हो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा मेटल्स में, मेटल प्रोडक्शन में, तभी ये कम होगा, क्योंकि मेटल का डिमांड कम होने की उम्मीद हम शॉर्ट टर्म में नहीं देख रहे। सर, गोल्ड में क्या डिमांड सप्लाई मिसमैच है, या फिर ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं? गोल्ड की इस तेजी के पीछे क्या अहम कारण है, और अभी जो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन पे क्या करना चाहिए शेयर बाजार में? अरे जी, हजारों साल से कोई भी जब आफत आता है लोग गोल्ड लेते हैं, क्योंकि गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है। मिडिल ऑफ द नाइट भी आपको कहीं पैसा चाहिए होगा तो गोल्ड के अगेंस्ट में मिल जाएगा, बाकी किसी के अगेंस्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन मार्क है। तो जब दुनिया में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रूस यूक्रेन की बात करें, इसराइल हमास पैलेस्टाइन, इसराइल ईरान की बात करें, तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट है, अनसर्टेनिटीज है, तो इस माहौल में ऑब्वियसली गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है और ये बढ़ना भी चाहिए, और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो डॉलर, क्योंकि यूएस एक पोजीशन ले रहा है वीजा वी मल्टीपल जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आज रशियन सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर नहीं खरीदेगा, वो गोल्ड खरीदेगा। आज चाइनीज सेंट्रल बैंक दबा के गोल्ड खरीद रहा है, आज जो वेस्ट एशियन जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारे गोल्ड खरीद रहे हैं, आज इंडियन सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद रहे हैं। तो गोल्ड का एक तो हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, आप और हम और हमारे घर में जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसे सारे दुनिया में हो रहे हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक, हर देश का सेंट्रल बैंक दबा के गोल्ड खरीद रहा है, तो ये दोनों कारण गोल्ड को ऊपर ले जा रहा है। और साथ में तीसरा छोटा पॉइंट ये भी है कि लिक्विडिटी अबंडेंट है, तो आपके पास पैसा है, शेयर मार्केट में आप सर्टेन नहीं हो मार्केट का दिशा क्या होगा, कमोडिटी मार्केट में आप सर्टेन नहीं हो या निवेश करना नहीं चाहते हो, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन क्या रहेगा, तो गोल्ड आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ऐसा उभर के आ रहा है सर। अब आते हैं सर नतीजों पे, जो कि अभी रिजल्ट सीजन ऑन है। सबसे पहले तो ये टीसीएस के नतीजे कैसे लगे आपको, उसके बावजूद हमने देखा नतीजे जैसे मर्जी आए हो, आईटी शेयर्स की तो पिटाई हो गई। दूसरा, फिर ये Q4 रिजल्ट्स में आप क्या मानते हैं, किसके रिजल्ट्स अभी आने वाले समय में बेहतर रहेंगे? देखिए, टीसीएस के नतीजे तो अच्छे थे, मैं ये मानूंगा। सारे पैरामीटर्स अगर आप देखें तो परफॉर्म अच्छा किया है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर परफॉर्म किया है, और मार्जिन में तो बहुत ही अच्छा किया, 26% मार्जिन जो उन्होंने एग्जिट मार्जिन दिखाया वो बहुत अच्छा है, और उनका जो कमेंट्री था वो भी अच्छा था। उनका उम्मीद ये है, मैनेजमेंट का उम्मीद ये है कि FY25 विल बी बेटर देन FY24, तो और मार्जिन भी मेंटेन करेंगे ये कहा जा रहा है, तो ये अच्छा रिजल्ट था। सिर्फ छोटे दो पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करूंगा जो कि शंका की बात है थोड़ा बहुत।
एक तो नॉर्थ अमेरिका में इनका बिजनेस पिकअप नहीं हुआ अभी भी, और दूसरा बीएफएसआई जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें भी पिकअप नहीं हुआ। सो दो द टू नेगेटिव पॉइंट्स, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स टीसीएस के नतीजे में थे, और ये एक अच्छा नतीजा मैं मानूंगा क्योंकि मैनेजमेंट इज बुलिश ऑन FY25। अब कौन से सेक्टर्स, कौन से कंपनीज, कौन से अच्छे करेंगे, इसमें मेरा मानना यह है कि दबाव आपको एफएमसीजी में दिखेगा, दबाव आपको केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स में देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सीमेंट, फार्मा, ये सब में आपको पॉजिटिव नतीजे दिखने को मिलेंगे। आईटी विल बी अ मिक्स्ड बैग, कुछ कंपनीज जैसे टीसीएस की अभी बात हो रही थी, अच्छा नतीजा दिखाया, एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाया, पर कुछ कंपनीज आईटी सेक्टर में भी जो कि जिनके नतीजे खराब आएंगे एक्सपेक्टेशन से भी, तो आईटी विल बी ए मिक्स्ड बैग। बैंक्स और एनबीएफसी पे आपका क्या व्यू है? क्या यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अब, या फिर आप अगर एलोकेशन करेंगे तो सरकारी बैंक्स के स्टॉक ज्यादा अच्छे लगते हैं या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स के? देखिए बीएफएसआई बाय एंड लार्ज अच्छे नतीजे लेकर आएंगे, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है और इम्प्रूवमेंट बरकरार रहेगा। बैंक्स के बारे में मैं यही कहूंगा, फोकस तो यही होगा कि डिपॉजिट ग्रोथ कैसा हुआ, कासा का पोजीशन क्या है, उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। लोन ग्रोथ ऑफकोर्स चेक करेंगे, पर लोन ग्रोथ से भी इम्पोर्टेंट ये बाकी दो चीज, कासा और डिपॉजिट ग्रोथ, इस पे ध्यान रहेगा। ओवरऑल बीएफएसआई आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही नतीजे आने की संभावना है, ऐसा कोई नेगेटिव शॉक देखने नहीं मिलेगा। और अगर स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में स्पेसिफिक आपका सवाल है, तो मैं ये कहूंगा कि एसबीआई स्पेसिफिकली वैल्यूएशन एक लेवल पे चला गया है जहां पे अपसाइड अब थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ ही मेरा नजर रहेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक्स हैं वहीं पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। सर, जब वोट ऑन अकाउंट आने वाला था ना सर, तो सब देख रहे थे ये सरकारी कंपनियां और रेलवेज, डिफेंस, पावर, रिन्यूएबल पावर से जुड़ी कंपनियां। अब वो धीरे धीरे करके ना बातें नहीं हो रही हैं और लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा आ गए हैं, वो भर भर के खरीद लिए उन्होंने। अब आपकी आपका क्या आउटलुक है सरकारी कंपनियों के, स्पेशली डिफेंस, रेलवेज और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां जो हैं? देखिए डिफेंस और रेलवेज दोनों क्षेत्र में इतना काम हो रहा है सरकार की तरफ से, इतने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। हमने तो कभी इतने इनिशिएटिव्स एक साथ नहीं देखा जो काम हो रहा है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। पर प्रॉब्लम दूसरे जगह पे है, प्रॉब्लम एक ही है कि ये वैल्यूएशंस इतने ऊपर चले गए हैं कि वहां पे डर लगता है। और ये डिफेंस में पर्टिकुलरली मैं ये वो चेतावनी सबको दे रहा हूँ कि देखिए ऑर्डर बुक और प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन करने में बहुत टाइम लगता है, एक सबमरीन बनाने में 3-4 साल लगते हैं। आज सबमरीन का ऑर्डर मिल गया और आपने उस शेयर प्राइस उस हिसाब से आपने बढ़ा दिया, बढ़ गया, तो वो शायद सही नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और टाइम भी लगता है। तो डिफेंस बहुत अच्छा क्षेत्र है, पर अभी आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं दिख रहा है। रेलवे सिलेक्ट स्टॉक्स में अभी भी इतना बड़ा अपसाइड नहीं दिख रहा है, वहां पे भी कहानी एक ही जैसा है, बहुत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अच्छा कामकाज हो रहा है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे सतर्क रहने की ही एडवाइस मैं दूंगा। एक क्षेत्र है जहां पे सरकारी, जहां पे मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, वो है पावर। ये पावर क्षेत्र में दबा के काम हो रहा है, और जो हर घर इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया देश का, और इसके साथ पावर का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और इसके साथ पावर रिलेटेड सारे जो कंपनीज हैं, नॉट ओनली पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, पावर फाइनेंसिंग कंपनीज, पावर के जो एंसिलियरीज करते हैं, सारे अच्छा कामकाज कर रहे हैं और दबा के उनको ऑर्डर मिल रहा है, तो यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है। तो आप एनटीपीसी की बात करें, वहां पे भी जरूर लॉन्ग टर्म निवेशक खरीदारी कर सकते हैं, पावर फाइनेंस कंपनीज में खरीदारी कर सकते हैं, पावर से जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं जैसे ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। पावर सेक्टर में अभी भी मुझे लगता है कि खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं क्योंकि व्यूअर्स चाहते हैं कि सुदीप जी हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज थोड़े स्टॉक्स बताएं जो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, इस गिरावट का फायदा भी थोड़ा मिल जाए। फिर तो इलेक्शन प्रूफ शेयर्स होता है तो कुछ भी शॉक प्रूफ नहीं है,
मार्केट में, लेकिन इलेक्शन प्रूफ शेयर्स जहां पर इलेक्शन का कोई बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े और धीरे धीरे करके उसको सिस्टमेटिकली खरीदते चले जाओ, ऐसी कोई लिस्ट है आपके रडार पर? नहीं तो फिर दूसरा, वैल्यूएशन वाइज आपको क्या अच्छा लग रहा है स्टॉक मार्केट पे जो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? इलेक्शन प्रूफ और वैल्यूएशन दोनों के लिहाज से मैं कहूंगा एक शेयर जरूर खरीदे, लार्सन टूब्रो बेहतरीन कंपनी है, मेरे को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पर एक चीज तो मैं जरूर बताऊंगा कि इनका मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो रहा है। वन थर्ड ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है और वन थर्ड ऑर्डर बुक इंटरनेशनल है, और ये जो सारे ऑर्डर्स हैं, नए ऑर्डर्स जो आ रहे हैं, ये हायर मार्जिन वाले हैं, तो कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। और ये जो सऊदी अरेबिया में दबा के ऑर्डर इनको मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन सब चीज में ऑर्डर बहुत अच्छे मिल रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी दबा के कर रहे हैं। तो ओवरऑल और सारे जो पुराने जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है वहां से निकल के आए हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव हो गया है, तो यहाँ पे तो हम लोग 4,500 रुपया तक प्राइस एक साल के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी कीजिए, करेक्शन के अपॉर्चुनिटी लेके खरीदारी कीजिए। बाकी मैं ये कहूंगा कि तो अगेन दिग्गज कंपनी का मैं जिक्र करूंगा रिलायंस, यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत जबरदस्त पॉसिबिलिटी है, और हम लोगों को लगता है कि इलेक्शन के बाद हम लोग वैल्यू अनलॉकिंग का शुरुआत देखेंगे। इसमें देखिए आज रिलायंस में 3-4 कंपनीज है, एक तो पुराना जो ट्रेडिशनल एनर्जी का कंपनी है जो ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग पेटकेम ये सब बनाते हैं, ये एक साइड में हो गया, दूसरा आपका टेलीफोन आ गया, टेलीकॉम आ गया, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है, तीसरा रिटेल जो कि देश का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस चला रहे हैं रिलायंस रिटेल, वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। इसके अलावा आज के दिन में एंटरटेनमेंट में भी बहुत बड़ा प्लेयर बन गए हैं, डिज्नी हॉटस्टार के मर्जर के बाद एंटरटेनमेंट में भी बेहमौत बन गए हैं और साथ में ग्रीन एनर्जी में दबा के काम कर रहे हैं, तो बहुत वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी है, और वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस के हिसाब से उतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे भी तो गिरावट जो आया है उसका अपॉर्चुनिटी लेके जरूर खरीदारी कीजिए। पर याद ये रखना होगा कि मैं 1 साल प्लस के नजरिया से खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 15 दिन में 20 दिन में क्या हुआ नहीं हुआ वो बताना मुश्किल है, पर 1 साल का नजरिया रखिए, खरीदारी कीजिए, जरूर अच्छा नतीजा मिलेगा। राइट, किसी के पास अगर 3-4 लाख रुपए कैश पड़े हों, वैसे तो सब तेजी के मार्केट में पसंद करते हैं पैसा लगाना, अभी चल रही मार्केट उल्टी, तो अगर किसी के पास कैश पड़ा हो और इस समय कैश ही किंग है, तो उसको क्या एडवाइस देंगे? मौजूदा स्तरों पे धीरे धीरे करके डिप्लॉय करना शुरू कर दे, म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, या फिर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली, या फिर अभी थोड़ा पेशेंस रखे, वेट करे टिल इलेक्शन? देखिए मुझे तो लगता है जो करेक्शन हुआ है इसका अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, पर एक साथ डिप्लॉय कभी किसी टाइम पे भी एक साथ डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे डिप्लॉय कीजिए, इलेक्शन का इंतजार मत करिए, बाय दैट टाइम बस वुड हैव लेफ्ट, तो उसके लिए इंतजार मत करिए, क्योंकि एक बार ये जियोपॉलिटिकल जो समस्या है एक बार इसमें एक स्टेबिलिटी आ जाता है तो मार्केट वापस भागेगा, तो आप खरीदना है तो अभी से खरीदना चालू कीजिए, कुछ शेयर्स के नाम मैंने भी बताए हैं, इसके अलावा कोई भी अच्छा जो लार्ज कैप फंड है वहां पे खरीदारी कर सकते हैं, जो रिनाउंड फंड हाउसेज हैं उनके लार्ज कैप फंड्स, और मैं एक टाइप का फंड पसंद करता हूँ, बैलेंस्ड इक्विटी फंड जो कि डेट और इक्विटी दोनों में निवेश करते हैं, तो ऐसे बैलेंस फंड में भी निवेश कर सकते हैं, पर धीरे धीरे निवेश कीजिए, वही सही तरीका है। सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिस्तर को अपना समय देने के लिए, थैंक यू।